नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से करके घिर गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भाजपा बोली, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए दिया बयान। बवाल मचने के बाद खड़गे ने दी सफाई। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा रोटी पलटने का सही समय आ गया है। पार्टी के बड़े नेताओं से करूंगा आग्रह, इस पर काम करें। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा, अल सुबह रिहाई पर उठे सवाल। गोपालगंज कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे थे आनंद मोहन सिंह। रिहाई को कोर्ट में चुनौती देगी कृष्णैया की बेटी। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए करेगी जांच, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। भाजपा बोली, सीएम ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान से फैली हिंसा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अपनों को मनाने में जुटी भाजपा, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की हुई घर वापसी, विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंचतत्व में विलीन, बेटे सुखबीर सिंह बादल ने दी मुखाग्नि, अंतिम संस्कार में उमड़े हजारों लोग। पीएम मोदी ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ स्तर पर पार्टी के प्रचार को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, कहा डबल इंजन सरकार ना होने से जनता पर डबल मार, कांग्रेस की वारंटी खत्म तो गारंटी का क्या मतलब। सुसाइड नोट मजाक को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मानसिक स्वास्थ्य का असंवेदनशील ढंग से मजाक बनाने के बजाय जागरूकता पैदा करने की जरूरत। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण पर बवाल, माली समाज का जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना, सातवें दिन भी जारी। NH-21 के करीब 1 किलोमीटर दूर तक सड़क पर पत्थर रखकर की नाकेबंदी। माली समुदाय के सदस्य अलग से 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए सुरक्षा बल के 10 जवानों और वाहन चालक को दी श्रद्धांजलि, कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तथा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करे। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने आमिर सुभानी ने कहा, आनंद मोहन को कोई विशेष छूट नहीं मिली। विदेश सचिव विनय कौत्रा ने बताया, सूडान में सुरक्षा संबंधी जमीनी हालात बेहद अस्थिर और परिवर्तनशील बने हुए हैं। भारत का प्रयास वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है, वैश्विक घटनाक्रमों का इस पर खास प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। गलवान में हुई झड़प के बाद पहली बार चीनी मंत्री का भारत दौरा, चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए भारत पहुंचे। कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुसीबतें, कोर्ट ने 12 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, 26 फरवरी से हिरासत में है सिसोदिया, आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है मामला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई का खड़गे पर पलटवार, बोले खड़गे के मन में जहर, वे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से एक और फ्लाइट मुंबई पहुंची, 246 भारतीय स्वदेश लौटे, लोगों ने सूडान में संघर्ष के दौरान अपनी आप बीती बताई। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर 121 पूर्व जज और 101 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। विवेक अग्निहोत्री ने किया फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार, 7 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है विवेक की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। विवेक ने कहा कि वे ऐसे अनएथिकल और एंटी सिनेमा अवार्ड का नहीं करते समर्थन। जिया खान सुसाइड केस में 27 अप्रैल को आएगा फाइनल फैसला, एक्टर सूरज पंचोली पर लगा है आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, साल 2013 में जिया खान ने कर ली थी आत्महत्या। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।